तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हाइगेंस वेव थ्योरी बताया था, वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया था। इसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखो बेटा। दिस इज द फिनोमिना ऑफ, दिस इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, दिस इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी This is the phenomena of redistribution of light energy in medium on account of superposition of light wave, on account of superposition of light wave, superposition of two light waves. सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस, फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस, फ्रॉम टू कोहरेंट, सी ओ एच ई आर ई एन टी, कोहरेंट सोर्सेस, फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेस। दो लाइट सोर्स कोहरेंट तब होते हैं, एस वन और एस टू, ये दो लाइट, दो लाइट सोर्स कोहरेंट तब होते हैं जब ये सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। अगर ये दोनों सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं और इनके बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो इनको हम कोहरेंट सोर्सेज कहते हैं। लिख लो, कोहरेंट सोर्सेज आर, कोहरेंट सोर्सेज एमिट, कोहरेंट सोर्सेज एमिट light of, coherent sources emit light of same wavelength and frequency having constant phase difference, having constant phase difference, having constant phase difference. तो इस फेनामिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं और इसको शो रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसको कहते हैं YDSC, फुल फॉर्म है इसका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फुल फॉर्म लिखो इसका, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, Young's, YOUNG, साइंटिस्ट का नाम है, स्लिट, SLIT, Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनरली YDSE। देखो बेटा, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें एक कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स करके दो स्लिट, यहाँ पे S1 और S2 दो स्लिट इन्होंने डेवलप किया, कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स कर दिए, स्लिट हो गई, और यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इल्यूमिनेट कर दिया। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स मतलब जैसे सोडियम, सोडियम लैंप जलाया, ठीक है, सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक क्या बताया था मैंने, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स। सोडियम, ये जो व्हाइट लाइट है ये हेटरोक्रोमेटिक है, इसमें 7 वेवलेंथ्स हैं, और ये सोडियम लैंप है। सोडियम लैंप अगर यहाँ पे लिट कर, यंग ने क्या किया था कि कार्डबोर्ड में दो पिन होल्स किए जिनको स्लिट नाम दिया गया, S1 और S2, और जब ये
इल्यूमिनेट किया, जब ये सोडियम लैंप जलाया तो स्फेरिकल वेवफ्रंट डेवलप हुए इससे। मैंने हाइगन्स थ्योरी में बताया था कि अगर पॉइंट सोर्स है तो इसका वेवफ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल होगा, बताया था ना। ये वेवफ्रंट जाकर के इन स्लिट्स को हिट करेंगे और ये जो स्लिट्स हैं ये सेकेंडरी सोर्स की तरह से वर्क करेंगे और यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे। हाइगन्स वेव थ्योरी में वेवलेट का कॉन्सेप्ट आया था, देखो सेकंड पोस्टुलेट में वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट आया है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगी, इस स्लिट से भी सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे। डॉटेड लाइन ट्रफ के लिए है और सॉलिड लाइन क्रेस्ट के लिए है, क्योंकि वेव ऑलवेज जो ट्रेवल करती है वो वेव ऑलवेज ट्रेवल करती है, वेव ऑलवेज ट्रेवल करती है क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में अगर वेव ट्रेवल करती है तो जो सॉलिड लाइन दिखाई गई है वो क्रेस्ट के लिए है और जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो ट्रफ के लिए है। सॉलिड लाइन फॉर क्रेस्ट एंड डॉटेड लाइन फॉर ट्रफ। तो इस तरह से सेकेंडरी सोर्सेज S1 और S2 कोहेरेंट सेकेंडरी सोर्सेज बन जाते हैं। यहाँ से जो वेव्स जनरेट होती हैं सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट होती हैं और ये वेव्स एक दूसरे से इंटरफियर कर रही हैं। ये इसकी जो प्राइमरी S1 और S2 की वेव आपस में इंटरफियर करती हैं। और जब यंग ने ये YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने ये देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा अपीयर होता है और इसके जस्ट ऊपर एक डार्क फ्रिंज बनती है। फ्रिंज मतलब बैंड। इसके बाद फिर एक वाइट बैंड बनती है, वाइट फ्रिंज बनती है। इस सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे फिर से डार्क फ्रिंज बनती है और फिर ब्राइट फ्रिंज बनती है। इस तरह से पूरी स्क्रीन पे ऊपर से नीचे तक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन गई। जब यंग ने इस कार्डबोर्ड के दो पिन होल्स पे के सामने ये सोडियम लैंप को जलाया तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन पूरी की पूरी स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर हो जाती हैं। पूरी की पूरी स्क्रीन अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज से भर जाती है। इसका नाम यंग ने दिया था इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। जब ये पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो यंग ने ये बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट सोर्स S1 और S2 के जो वेव्स हैं, ध्यान से देखना, सोर्स S1 और S2 के जो वेव्स हैं उन वेव्स का जो क्रेस्ट जहां पे इंटरसेक्ट करता है या ट्रफ जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट लाइट को स्क्रीन तक अलाउ करते हैं। यंग से जब पूछा गया कि ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्यों बनती है तो यंग ने बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रफ एंड ट्रफ फ्रॉम S1 S2 अलाउ लाइट टू स्क्रीन। और जब ये पॉइंट स्क्रीन पे लाइट को अलाउ कर देंगे तो इसके करेस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, ब्राइट बैंड बन जाती है। डार्क बैंड का रीजन उन्होंने बताया यंग ने बताया डार्क फ्रिंज इसलिए बनती है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ लाइट को ब्लॉक कर देता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ ब्लॉक्स द लाइट और जब ये ब्लॉक करता है तो उसके करेस्पॉन्डिंग डार्क फ्रिंज बनती है। जब YDSC एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है यंग के द्वारा तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि फ्रिंजेस क्यों बनती हैं? तो यंग ने बताया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड क्रेस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रफ एंड ट्रफ अलाउ लाइट टू स्क्रीन जिसके करेस्पॉन्डिंग ब्राइट बैंड बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। डार्क फ्रिंज इसलिए बनती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ लाइट को ब्लॉक कर देता है और लाइट को जब ब्लॉक करता है तो स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज बनती है। दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाई यंग। Is this clear? अब कहा गया कि इसको प्रूफ करके दिखाइए तो इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वही बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये फिगर ड्रॉ करके लिखिए।
हो गया, बना लिया। अब लिखो बेटा, लेट द equations of weights from slits S1 and S2 equations of weights from slits S1 and S2 are y1 equals to a sine omega t and y2 is equal to b sine omega t plus phi. So from slit S1 and S2 आर ये लिख लो, फ्रॉम S1 एंड S2 आर, S1 S2 से जो वेव जनरेट हो रही है उनका ये इक्वेशन है। इन दोनों वेव्स के बीच कांस्टेंट फेज डिफरेंस फाई है क्योंकि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस है और ये वेव्स चूंकि इंटरफियर करती हैं, तो एक लाइन लिखो, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इसी के नीचे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपरपोजिशन इज, सुपरपोजिशन मींस इंटरफेरेंस, आफ्टर सुपरपोजिशन इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अगर ये वैल्यूज हम रख दें तो a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस फाइव। साइन a प्लस b का क्या फार्मूला होता है? साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t, b sin omega t cos phi plus b cos omega t sin phi, यही होगा ना? Is this clear? इसमें से अगर हम sin, अगर इन दोनों में से sin कॉमन ले लें तो sin omega t अगर बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? a plus b cos phi। और यहाँ पे अगर हम cos omega t को लेते हैं, cos omega t, तो ये हो जाएगा b sin phi। ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो जाएगा आफ्टर सुपरपोजिशन या आफ्टर इंटरफेरेंस। एक लेट a प्लस b cos phi, लेट a प्लस b cos phi इज कैपिटल R cos theta। a प्लस बी कॉस फाइव को कैपिटल आर कॉस थीटा मान लिया, लेट a प्लस बी कॉस फाइव इज कैपिटल आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाइव इज कैपिटल आर साइन थीटा। इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। यहां पे लिख सकते हो कैपिटल आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, लिख लो बेटा कैपिटल आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, कैपिटल आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब ये दोनों वैल्यूज, इस वैल्यू को हमने इससे रिप्लेस कर दिया और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया। अगर रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया फिर रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन? रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो गया, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा
प्लस दूसरा वाला जो टर्म होगा आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब इसको अगर आर बाहर ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इंटरफेरेंस के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी, जो रिजल्टेंट वेव डेवलप हुई, उसका ये इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया। थीटा है हम, ये फाई है, इसको हमने थीटा माना है। यहां लिख देता हूं मैं, हियर आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड थीटा इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैपिटल आर रिजल्ट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड थीटा इज द फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव। इक्वेशन नंबर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा? इक्वेशन नंबर टू और थ्री को अगर स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग एडिंग, तो आर स्क्वायर अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, या कैपिटल आर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। ये जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, उसका फार्मूला डिराइव हो गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। ठीक है, क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? इसको मैं इक्वेशन नंबर फाइव डाल देता हूं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला डिराइव हुआ, इसको इक्वेशन नंबर फाइव मान लेते हैं। सर, टू स्क्वायर प्लस थ्री कहाँ पे? इक्वेशन नंबर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर किया। इक्वेशन नंबर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। ये लाइन क्लियर है ना? सिंस वेव के लिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ये हम लोगों ने 11th में वेव में पढ़ा था। इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी आई प्रोपोर्शनल टू, अगर हम ये मान लें फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? ए है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव? फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड ए है, ए साइन ओमेगा टी। तो आई वन हम ले सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है? बी है, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो एम्पलीट्यूड बी है। तो आई टू होगा प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? कैपिटल आर। तो आई आर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। 11th के वेव चैप्टर में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर का ये
फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सेकेंड वेव जो एस टू से जनरेट हो रही है उसकी बी स्क्वायर, और जो इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टेंट वेव जनरेट हो रहा है उसका आर स्क्वायर है। अगर इसको मैं इसको ये जो इक्वेशन नंबर फाइव है उसमें ये वैल्यूज पुट कर इस यहां पे इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यूज मैं पुट करूं ये, तो क्या इक्वेशन बनेगा, इंटेंसिटी का क्या इक्वेशन बनेगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब आई आर, ए स्क्वायर का मतलब आई वन, बी स्क्वायर मीन्स आई टू, और ए का मतलब रूट आई वन, टू ए का मतलब टू रूट आई वन, टू रूट आई वन, बी स्क्वायर अगर आई टू है तो बी हो जाएगा रूट आई टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव, यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव हो गया आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू रूट के बाहर कॉस फाइव। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो पूछ सकता है, कुछ किया नहीं है यहां पे, हमने क्या किया कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वन ले लिया, यहां भी वन ले लिया, यहां भी वन ले लिया, जहां ए स्क्वायर था वहां आई वन रख दिया, जहां बी स्क्वायर था वहां आई टू रख दिया, जहां ए था वहां रूट आई वन रख दिया, जहां बी था वहां रूट आई टू रख दिया मल्टीप्लाइड बाई कॉस फाइव। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला डेराइव हो गया आफ्टर इंटरफेरेंस।